क्रैश हॉपर बेंटन जब से शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक बेंटन में कई डिफरेंट एलियन हमने देखे हैं और उन सभी के पास कई डिफरेंट पावर थी, पर क्रैश हॉपर उन सभी एलियन में से सबसे अलग है क्योंकि क्रैश हॉपर के पास बेंटन के किसी भी एलियन की तुलना में सबसे ज़्यादा जंपिंग एबिलिटी है, जो बहुत लंबी जंप लगा सकता है। और इसके अलावा क्रैश हॉपर बेंटन के सबसे तेज तर्रार और फुर्ती वाले एलियन में से एक है, पर फिर भी क्रैश हॉपर के बारे में आज तक बेंटन में कुछ भी रिवील नहीं किया गया है कि आखिरकार क्रैश हॉपर है कौन, क्रैश हॉपर किस प्लैनेट से बिलोंग करता है और आखिरकार क्रैश हॉपर इतना तेज कैसे है। तो आज हम इन्हीं सभी बातों का पता लगाएंगे और इसी वीडियो में और ढूंढेंगे क्रैश हॉपर की ओरिजिन। तो वीडियो में बने रहना और वीडियो को एंड तक देखना। तो भाई क्रॉस हॉपर बेंटन का एक तेज तर्रार और लाजवाब फुर्ती वाला एक एलियन है और जो क्रॉस हॉपर की स्पीसीज है उन्हें ऑर्थो टेरन कहा जाता है, पर जो इनका प्लैनेट है वो ऑफिशियली कंफर्म नहीं है कि आखिरकार ऑर्थो टेरन किस प्लैनेट से बिलोंग करते हैं और इसलिए इनका प्लैनेट अननोन है। पर जो सभी ऑर्थो टेरन होते हैं उनमें कुछ कमाल की खासियत होती है जो उन्हें बहुत पावरफुल बनाती है, जैसे ऑर्थो टेरन की लाजवाब फुर्ती और जंपिंग एबिलिटी, क्योंकि जो ऑर्थो टेरन होते हैं उनके लैग बहुत ज़्यादा मस्कुलर और फ्लेक्सिबल होते हैं जिसकी मदद से ये एक बहुत बड़ी जंप लगा सकते हैं। साथ ही इनके पास इतनी पावर होती है कि ये अपनी पावर से शॉक वेव क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा जो इनका सर होता है वो एक स्टील की तरह पावरफुल होता है एक हद तक, जिससे ऑर्थो टेरन अपने कॉम्पिटिटर को बुरी तरह से चोट पहुंचा सकते हैं। साथ ही साथ खड़ी दीवारों पर भी चल सकते हैं और जो इनके शार्प स्पाइक्स और शार्प फीट होते हैं वो काफ़ी डेंजरस होते हैं। इसके अलावा इनके पास लाजवाब स्पीड और बेमिसाल फुर्ती होती है जिससे इन्हें फाइट में हरा पाना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। पर जैसे हर शिकार का एक शिकारी होता है और हर शिकारी का एक शिकार होता है, वैसे ही क्रॉस हॉपर का भी एक शिकारी होता है जिसका नाम म्यूसिलेटर है और ये स्पीसीज क्रॉस हॉपर की स्पीसीज को अपने लार्वा में फंसा लेती है और उस लार्वा से क्रॉस हॉपर की स्पीसीज ऑर्थोपटेरियन वापस नहीं निकल पाती। तो ये तो थी ऑर्थोपटेरियन की बात, अब बात करते हैं क्रॉस हॉपर की जिसे हमने पहली बार बेंटन ओमनीवर्स में देखा था, जहाँ पर बैन क्रॉस हॉपर तब बनता है जब डॉक्टर एनिमो की जाइंट एंट्स बैन को पकड़ लेती है और बैन को कवर कर लेती है और तभी बैन एक्सीडेंटली क्रॉस हॉपर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और कहा तो ये भी जाता है कि क्रॉस हॉपर बेंटन की ओमनीटिक्स में कभी लॉक्ड भी नहीं था, पर जब बैन क्रॉस हॉपर पहली बार बनता है तो यहाँ पर बैन डॉक्टर एनिमो के साथ साथ उसकी जाइंट एंट्स को भी बुरी तरह से हराता है अपनी तेज तर्रार पावर की मदद से। पर इसके बाद क्रॉस हॉपर हमें बेंटन ओमनीवर्स में कई बार देखने को मिलता है जहाँ वो कई बार कई विलन्स को हराता है और एक बार तो क्रॉस हॉपर इतनी लंबी जंप लगा देता है कि शिप से निकले हुए मिसाइल को क्रॉस हॉपर अपने सर की मदद से डिस्ट्रॉय कर देता है, इतनी ज़्यादा पावर होती है क्रॉस हॉपर के पास। इसके अलावा जो भाई क्रॉस हॉपर है उसने इनकर्जन्स के राजा मिलियस को भी बुरी तरह से पीटा था, अगर आपको याद होगा, अगर आपने बेंटन ओमनीवर्स देखा होगा तो आपको जरूर याद होगा जब मिलियस बुरी तरह से पीटा था क्रॉस हॉपर के हाथों से। साथ ही भाई जब भी क्रॉस हॉपर बात करता है तो उसके अंदर से क्रिकेट की तरह आवाज आती है और जो क्रॉस हॉपर है बेंटन के पसंदीदा एलियन में से एक है क्योंकि बेन को जंपिंग करना बहुत पसंद है और क्रॉस हॉपर के पास बेंटन के किसी भी एलियन की तुलना में सबसे अच्छी जंपिंग एबिलिटी है और इसलिए बेन क्रॉस हॉपर बनना पसंद भी करता है क्योंकि क्रॉस हॉपर जंपिंग के साथ साथ तेज तर्रार और फुर्ती वाला एक लाजवाब एलियन है जो ठीक एक्सेलरेट की तरह ही अपने दुश्मनों पर वार करता है। तो भाई बस यहाँ खत्म होती है क्रॉस हॉपर की कंप्लीट स्टोरी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पर अगर अभी भी कोई डाउट मन में बन रहा हो तो नीचे कमेंट में पूछ लेना, मैं रिप्लाई जरूर कर दूंगा। इसके अलावा भाई एक और बात, अब हम मिलेंगे इसी संडे को बेंटन ओमनीवर्स के लास्ट एलियन के साथ और वो एलियन है ग्रेविटैक, तो तैयार रहना। और अगर आप में से कोई नया है इस चैनल पर तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ताकि मैं ऐसी और वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। क्रैश हॉपर नाम कैसा रहेगा?